हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 में जो आपका फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने हैं कक्षा 6, 7, कक्षा 3 और 4 का। इससे पहले मैं कक्षा 5 और कक्षा 8 का कंप्लीट जानकारी बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। अब कक्षा 3 और कक्षा 4 के लिए एग्ज़ाम कब से शुरू होने हैं, ठीक है, कितना समय मिलेगा, किस डेट को, कौन से दिन आपका कौन सा एग्ज़ाम है, आइए बच्चों इसमें देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा आप सबको पता है कि एड ग्रेड से ही इस बार का जो वार्षिक मूल्यांकन आना है, इसलिए आप एड ग्रेड की जो भी बुक्स हैं उनको कंप्लीट भरिए। उनका कंप्लीट सॉल्यूशन अपने चैनल पर डला हुआ है, अगर आपने अभी तक उनको विजिट नहीं किया तो ज़रूर करें। तो बच्चों सबसे पहले हम आ जाते हैं और देख लेते हैं कि कक्षा 3 का जो है आपके एग्ज़ाम कब हैं और किस तरह से हैं। देखो, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें जिससे आपको साफ दिखे। इसमें धुंधला बुलर है, ठीक है, धुंधला है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम कक्षा 3 की बात कर लें, कक्षा 3 यहाँ पर देख रहे हैं कक्षा 3, ठीक है, तो 15/3/2023 को यानी 15 मार्च को आपको शिक्षक द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट करना है, ठीक है। 15 मार्च को आपको प्रोजेक्ट कार्य की जानकारी दी जाएगी। एग्जाम शुरू नहीं हो रहे हैं 15 से आपको प्रोजेक्ट कार्य को, यहाँ लिखा है ना, विषय शिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदान करना। क्या आपको बुकलेट दी जाएगी स्कूल से, उसमें आपको भरना है प्रोजेक्ट कार्य या फिर अलग से कोई प्रोजेक्ट कार्य आपको बनाना है, और उसके आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे जो आपके फाइनल में ऐड होंगे। अब देखिए कक्षा 3 का 5 तारीख से एग्जाम शुरू है, ध्यान रखना 5 अप्रैल से आपका एग्जाम शुरू है कक्षा 3 का, तो बुधवार का दिन है 5 तारीख को, और आपका सबसे पहले प्रथम भाषा मतलब हिंदी का एग्जाम है, ध्यान रखना है हिंदी का, ठीक है। कक्षा 3 की बात कर रहा हूँ मैं, तो हिंदी का एग्जाम है कक्षा 3 का 5 तारीख को, ठीक है। इसके बाद आपका गुरुवार को जो एग्जाम होगा यानी 6 तारीख को, वो होगा पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है, कक्षा 3 का। इसके बाद गुरुवार से शुक्रवार को आपका गैप है, ठीक है, और शनिवार को जो है आपका एग्जाम होगा किसका, अंग्रेजी का, इंग्लिश का, ठीक है। अब इसके बाद आपको, इसमें मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद आपको सोमवार का यानी 10 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका मैथ का, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, जो जिनको दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित छात्र हैं, दिव्यांग छात्र हैं, उन लोगों को जो है संगीत का होगा, उनका मैथ का एग्ज़ाम नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कि आपका जो लास्ट एग्ज़ाम होगा वो अतिरिक्त भाषा का होगा, लेकिन जो बेसिक जो 4 एग्ज़ाम हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके से ही हैं। सबसे पहले हिंदी का, फिर आपका पर्यावरण का होगा, फिर आपका इंग्लिश का होगा, फिर आपका मैथ होगा कक्षा 3 के लिए, ठीक है, और डेट आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है कक्षा 4 का, तो कक्षा 4 के लिए हम देख लेते हैं। कक्षा 4 में सबसे पहले आपका 5 तारीख को एग्ज़ाम होगा, वो किसका, पर्यावरण अध्ययन का। अब बाकी जो 15 तारीख को आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो सेम होगी प्रोजेक्ट कार्य के लिए, ठीक है। अब देखो पर्यावरण का होगा 5 तारीख को, 6 तारीख को होगा आपका किसका, 6 अप्रैल को होगा आपका हिंदी का, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, 6 अप्रैल को हिंदी का होगा। अब इसके बाद 8 तारीख को होगा आपका गणित का एग्ज़ाम, ठीक है, 10 तारीख को होगा आपका अंग्रेजी का एग्ज़ाम, ठीक है, और बाकी जो अतिरिक्त भाषा है अगर तो उसका होगा, वरना आपके 4 जो है इम्पोर्टेंट हैं इन्हीं का आपका लिया जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं कक्षा 6 के लिए, तो बच्चों 6 के लिए जो टाइम रखा गया है, देखो टाइम सबके लिए सेम ही है, ध्यान रखना, टाइम कौन सा दिया है 9 से 11 बजे तक, 9 से 11 बजे तक आपका टाइम दिया गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कक्षा किसके लिए, 6 के लिए, तो कक्षा 6 को भी सेम टू सेम है, 15 तारीख को आपको प्रोजेक्ट से संबंधित इंस्ट्रक्शन शिक्षक के द्वारा दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा किस तरह से आपको अपना प्रोजेक्ट का निर्माण करना है। अब 5 तारीख को जो है आपका एग्ज़ाम होगा किसका, गणित का, ध्यान रखना, मैथ का एग्ज़ाम होगा 5 तारीख को, ठीक है, कक्षा 6 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 6वीं की। अब 6 तारीख को आपका जो है संस्कृत का होगा, ध्यान रखना संस्कृत का, ठीक है। अब नेक्स्ट 8 तारीख को जो है आपका सोशल साइंस का होगा, ठीक है, सोशल साइंस। 10 तारीख को आपका होगा विज्ञान का पेपर, ठीक है, और 11 तारीख को होगा आपका हिंदी का पेपर, और 12 तारीख को होगा आपका अंग्रेजी का पेपर, ठीक है, ध्यान रखना। कक्षा 6 की बात हो गई, यानी कि सबसे पहला है आपका मैथ, संस्कृत,
सोशल साइंस, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किस पर, कक्षा सात पर। सात के लिए भी सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब बस हमको देखना है कि 5 तारीख को कक्षा सात का होगा विज्ञान का पेपर, 6 तारीख को होगा आपका हिंदी का पेपर, ठीक है, 8 तारीख को होगा आपका इंग्लिश का पेपर, 10 तारीख को होगा आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर सोशल साइंस, 11 तारीख को होगा आपका संस्कृत का पेपर, और जो लास्ट पेपर होगा आपका वो होगा आपका किसका, वो होगा मैथ का, ठीक है, वो किसका होगा, मैथ का पेपर, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, 5 को होगा पहले आपका विज्ञान का, हिंदी का, इंग्लिश का, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और मैथ, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।